हेलो फ्रेंड्स, नित्यम क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारी जो टॉपिक चला हुआ है हमारा, वो कंडीशनल सेंटेंस चला हुआ है, और आज हम लास्ट टॉपिक लेकर आए हैं पार्ट थर्ड के नाम से। इसमें क्या होता है, पार्ट थर्ड जो है इसमें कोई बात पास्ट में ही होती है और पास्ट में ही कंप्लीट हुई होती है, लेकिन आज हम उसका पछतावा कर रहे होते हैं। तो इसकी कंडीशन क्या होती है, आइए देखते हैं। पहचान इसकी भी, अगर हम पहचान की बात करते हैं तो जो पार्ट सेकंड की पहचान है वो ही इसकी पहचान होती है। इसमें भी ता, ती, ते हमें दोनों सेंटेंसेज में देखने को मिलते हैं। जैसा कि आपको पता है, कंडीशन सेंटेंसेज में एक में कंडीशन दी हुई होती है और दूसरे वाक्य में उसका परिणाम दिया होता है, रिजल्ट दिया होता है। तो दोनों वाक्यों के अंत में ता, ती, ते हमें देखने को मिलते हैं, इसमें भी और पार्ट सेकंड में भी। लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होगा, सबसे पहले इफ का यूज होगा, उसके बाद जो हमारा इफ वाला सेंटेंस होगा वो पास्ट परफेक्ट में होगा। इफ सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और जो हमारा दूसरा सेंटेंस जुड़ेगा कॉमे के बाद, वो हमारा वुड हैव में हमें बनाना है। सब्जेक्ट वुड हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, यदि हम इफ ना लगाना चाहें, यदि हम इफ ना लगाना चाहते हैं तो फिर हम क्या कर सकते हैं, जो ये हैड है इसको बाहर निकाल सकते हैं। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस, ये जो हमारा आगे वाला सेंटेंस है ये एज इट इज ही हमारा रहेगा। कैसे होगा, एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। यदि वह कल, इस जो हमारा पार्ट थर्ड है इसमें मोस्टली प्रीवियस जो टाइम होगा वो दिया होता है। यदि वह कल आगरा गया होता तो ताजमहल देखता, या ऐसे बोल सकते हैं तो उसने ताजमहल देखा होता। यानी कि कल की ही बात हम कर रहे हैं, कल ही हो वो गया होता और कल ही उसने ताजमहल देखा होता। आज से इसका लेना देना नहीं है, आज सिर्फ हम कल्पना कर रहे हैं तो काश ऐसा होता, यदि वो ऐसा होता, तो हम इसकी सिर्फ कल्पना कर रहे हैं प्रेजेंट में। बात इसमें पास्ट की ही है सारी की सारी। इस अब ये इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इफ ही हैड गोन टू आगरा, कल के लिए यस्टरडे का यूज करते हैं, यस्टरडे कॉमा ही वुड हैव, ही वुड हैव सीन द ताज या ताजमहल। इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। अगर हम दूसरे वाले रूल से बात करें तो हम बनाएंगे इसको, हैड ही गॉन टू आगरा यस्टरडे ही वुड हैव सीन द ताजमहल। इस तरीके से हम सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। यदि कल वर्षा हुई होती, यदि कल वर्षा हुई होती तो किसान खेत न जोतता। अब पहचान की अगर हम बात करें तो यहां पर भी तातीते होगा और यहां पर भी तातीते होगा, ऐसा ही पार्ट सेकंड में है। लेकिन फर्क क्या है, ये कल की बात हो रही है, यदि कल वर्षा ना होती तो किसान खेत न जोतता। अब उसने जोत दिया तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे इसको, इफ इट हैड रेन्ड yesterday
कॉमा द फार्मर वुड नॉट हैव प्लॉट द फील्ड। इस तरीके से हम सेंटेंस कंप्लीट कर सकते हैं। एक और सेंटेंस देखते हैं, एक और सेंटेंस एग्जांपल से समझाने का प्रयास करते हैं। इसमें बात देखने की यह है, पहचान पर अगर हम जाएंगे तो हम पार्ट सेकंड को पार्ट थर्ड भी मान सकते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं, ऐसी गलती नहीं करनी है। पार्ट सेकंड में क्या था, उसमें काम पार्ट पास्ट में होता लेकिन प्रेजेंट में भी वो सो हो रहा था, लेकिन इसमें क्या है, इसमें काम भी पास्ट में हुआ होगा और सो भी पास्ट में हुआ होगा। सिर्फ अब हम पछतावा कर रहे हैं या सिर्फ कल्पना कर रहे हैं। और एक और हो सकता है, यदि वह बीमार न होता तो पार्टी में गया होता या उसने पार्टी अटेंड की होती। हम पास्ट की बात कर रहे हैं, कल कोई बीमार हो गया, हम आज सोच रहे हैं कि यदि वो कल बीमार ना होता तो पार्टी में गया होता, कल ही, कल की ही बात हम कर रहे हैं। तो इफ ही हैड नॉट बीन, अब यहां पर बीन किस लिए आया है, बीन होने की थर्ड फॉर्म भी होती है, बी वॉज, बी इज आर एम फर्स्ट फॉर्म, वॉज वर सेकेंड फॉर्म। यहां पर लिखते हैं बी फर्स्ट फॉर्म, इज आर एम इसी का रूप है, सेकेंड फॉर्म वॉज या वर, और थर्ड फॉर्म होती है हमारी बीन। ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकेंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है हमारी। यहां पर इफ ही हैड नॉट बीन इल, क्योंकि यहां पर कोई वर्ब नहीं थी और हमने होना को वर्ब बना करके बीन का यूज किया है, तो पार्टी में गया होता, बात उसी की हो रही है, तो ही वुड हैव गोन या अटेंडेड भी हो सकता है, अटेंडेड द पार्टी, द पार्टी। इस तरीके से जो आज का हमारा टॉपिक था, ये हमारा टॉपिक चला आ रहा था कंडीशनल सेंटेंसेस। आशा है आपकी समझ में अच्छे से आया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कीप वॉचिंग नित्यम क्लासेस, थैंक यू सो मच।